महादेव कहते हैं कि आप हर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही निकलते हैं। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें नहीं समझते, हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो छोड़ के जाता है या धोखा देता है तो हमें यकीन ही नहीं होता। रिश्तों को बस इतना ही जाना है कि रुकने वाला वजह ढूंढता है और जाने वाला बहाने ढूंढता है। ये वो जमाना आ गया है, किसी को अगर उधार ना दो तो भी आपका रिश्ता टूट जाएगा, और अगर उधार दे भी दोगे तो मांगने के वक्त आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। और यही आज का सच है। अगर आपको अहमियत चाहिए तो अपनी हैसियत बनाओ, वरना तो कोई खैरियत भी नहीं पूछेगा। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। अब क्या भरोसा करें किसी पर, यहां भरोसा दिलाने वाले ही भरोसा तोड़ जाते हैं। क्या करेंगे पैसों का जब जीने के लिए जिंदगी ही ना रहे। जिनसे उम्मीदें खत्म हो जाती है फिर उनसे कोई शिकायत नहीं रहती। जब तक रास्ते और लोग समझ में आते हैं तब तक हम बहुत बार लुट चुके होते हैं। बर्बाद होना पड़ता है, यादें यूं ही नहीं बना करती। लोगों ने कद्र करना छोड़ दिया और हमने फिक्र करना छोड़ दिया। ये दुनिया चुप कब रहती है, इसलिए कहने दो ये जो कहती है। रिश्ते को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। जो लोग सोच बदल लेते हैं वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। खूबियां देखकर तो न जाने कितने प्यार जताएंगे, इंतजार तो उसका है जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। जिंदगी को खुलकर जिया करो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त सिर्फ याद आता है, लौट कर नहीं आता। हक की बातें बोलने के लिए कलेजा चाहिए और तलवा चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। खूबसूरती दिखने वाले में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। पुराना होकर भी खास होता जा रहा है, बड़ा बेशर्म है ये इश्क, बेहिसाब होता जा रहा है। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं असल में वो खुद ही धोखा खा जाते हैं। जिम्मेदारियों की एक बड़ी खूबी होती है, ये कभी आपको बिगड़ने नहीं देती। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पे वार करते हैं। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कितना नादान है मेरा ये दिल, ये उनके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं फालतू जरूर समझेंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख,
किसी की बातों से चोट न पहुंचे, इतनी समझदारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। वही आपका सम्मान करता है, इसीलिए चुप है, उसे डरपोक कभी मत समझना। जिंदगी में अगर कभी ठुकर लगे तो लौट कर मत आना। तुम्हें आजाद किया है, माफ नहीं किया। वहां नाराज कभी मत होना जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वो ही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात कभी नहीं बदलती। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद तो वहां मिलता है जहां आपका मन मिलता है। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है और ना ही आखिरी बार खुद नहा सकता है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत मरना। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। असली गलती वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। आजकल शरीर सिर्फ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। किसी और को क्या बुरा समझना, अरे बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया को अब हम अच्छी तरह जानते हैं। जब जिंदगी में टाइम देखने का भी टाइम ना मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो। आजकल दिल के साफ लड़के चेहरे के खूबसूरत लड़कों से हार जाते हैं। जो वक्त आपके पास बचा है उसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब कभी लौट नहीं सकता। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है। कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। वक्त भी वक्त पर अपनी कीमत समझा ही देता है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं, तो आपको खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी बर्दाश्त करने वाले पर ही फिदा है। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अगर अपना दुख बताओगे तो वो आपसे ज्यादा अपना दुख रोने लगता है।
जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। रिश्तों के बदलने का क्या रोना जनाब, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। ये बात समझने में पूरी उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी आजकल एक गुनाह बन गया है। मतलब ही रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी है। राह कोई भी हो पकड़ कर चलिए, अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। आप लोगों को हमेशा इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं, कभी कभी आपका अच्छा होना भी उसके किसी स्वार्थ में बाधा बन जाता है। इसलिए किसी का दिल जीतने की कोशिश करने से पहले आप सच्चाई को समझ लीजिए। इसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शत्रुता भी व्यक्ति को इतना क्रूर नहीं बनाती जितना कि उसके साथ प्रेम में हुआ छल बना देता है। यदि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट हो, खुश हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा जरूर मिलती है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे हो और वो उसे महसूस कर रहा है। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे, अब तो वो जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं, आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है, किसी को क्या मालूम कि उसमें कितने हादसे और कितनी यादें समाई हुई है। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। जो इंसान सबका साथ देता है, अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला हो जाता है। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। प्यार तो यहाँ हर कोई मांगता है, जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले वही रिश्ता सच्चा होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके हुनर और आपके गुणों के कारण। धोखा कभी नहीं मरता, आज आपको किसी ने दिया है कल उसे कोई और देगा। जब मन भर जाता है ना तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वो किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा, अभी ये नहीं सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में, मैं भी कातिल हूँ क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। सपने जब तक जिद ना बने तब तक पूरे नहीं होते, क्योंकि पूरी जिद होती है सपने नहीं। दोगले लोग ना इसके होते हैं ना उसके होते हैं, वो बस जिधर दम उधर हम होते हैं। यहाँ कोई किसी के एहसासों की कदर नहीं करता, हर किसी को बस अपने मतलब की फिक्र रहती है। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसानों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी जरूरी होता है।